अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये माशाल्लाह मेरा विंगनेक का पेयर है और ये बहुत ही अच्छा पेयर था। इसकी फीमेल जो है वो फ्लाई कर गया, जैसा कि अपना पहले जो मैंने इसके अंदर थंबनेल लगाया था उसके ऊपर लिखा भी हुआ है। तो माशाल्लाह इसमें मेरे पास ब्रीड भी की हुई है, ये बहुत अच्छा जोड़ा लगा हुआ था। तो इसमें हुआ ऐसा है कि दाना रखते वक्त ये केज इसका जो है मैंने ताला लगाता था, लेकिन वो खुला रह गया किसी वजह से, और फीमेल जो है इसकी वो फ्लाई कर गई थी। तो मैं दिखाऊंगा आपको, वो फ्लाई कर गई थी बाहर। ये आप देख सकते हैं कि वो सामने दरख्त पे बैठी हुई है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये गोल दायरे के अंदर आप देखें। पहले दरख्त पे जाकर बैठी है, ये पास बैक साइड पे दरख्त है, ये आप इसको देख सकते हैं। और ये इतना पक्का जोड़ा है, तकरीबन आधा घंटा ये घर के करीब करीब फ्लाई करती रही है। ये देखिए आप, दूसरे दरख्त पे जाके बैठ गई है, करीब दरख्त के होने की वजह से कभी उस दरख्त पे जाती थी कभी उस दरख्त से। फिर मैंने मेल को छोटे केज में ला के बाहर रखा, तो ये शुरू में मैंने जो गोल दायरा लगाया था इसमें आपने देखा होगा कि फीमेल जो है वो फ्लाई करके पीछे को चली गई है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको स्लो करके आपको दिखाऊँ कि ये इसके ऊपर बैठी हुई थी, ये जो सामने खम्भा है इसके कोने पर बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और ये फ्लाई करके बैक को जाती है, कभी ये फ्रंट पे आती थी कभी बैक पे। इतना पक्का जोड़ा लगा हुआ था माशाल्लाह कि तकरीबन आधा घंटा ये घर के ऊपर उतरने की कोशिश करती रही है, लेकिन बदकिस्मती से वो घर नीचे था और ये ऊंचाई पे बैठी थी तो उतर नहीं सकी। तो ये लास्ट टाइम जब इसने फ्लाई किया, तो ये मैं वीडियो आपको स्लो करके दिखा सकता हूँ। वो सामने देखें आप, खंभे पर आपको बैठी नज़र आ रही होगी। तो शाम का टाइम था जब ये फ्लाई करके गई है, तो साइडों पे दरख्त बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और यहाँ पे और भी रिंगनेक हैं, मतलब दरख्तों के अंदर तो आपको पता है बेशुमार रिंगनेक होते हैं। तो फिर उस तरफ जब चली जाता है परिंदा या कोई भी अपने परिंदों में चला जाता है तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये मैंने आज वीडियो बनाई थी साथ कि शायद ये वापस आ जाए। तो इसने कोशिश भी बहुत ज़्यादा की थी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पेयर था, बाकी बदकिस्मती से ये चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरफ है पुलिस लाइन, सामने आप देख रहे हैं सारे पेड़ है, तो इनके अंदर चली गई है। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। इस लॉस के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कॉलोनी केज बनाऊँ बड़ा शेड की तरह, और उसके अंदर छोटी केजेस लगाऊँ ताकि आइंदा ऐसे नुकसान से बचा जा सके। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।